दुमका के मसलिया में लुईस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी के करीबन 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर झामुमो पार्टी का दामन थामा। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जामा की झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर लुईस मरांडी भावुक उठी। दरअसल पूर्व भाजपा के मंत्री रह चुकी डॉक्टर लुईस मरांडी और पूर्व सांसद के बीच टिकट को लेकर मनमुटाव चल रहा था। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सुनील सोरेन को टिकट दे दिया गया। भाजपा से नाराज चल रही डॉक्टर लुईस मरांडी ने झामुमो का दामन थाम लिया और जामा विधानसभा से झामुमो पार्टी से चुनावी मैदान में है। इधर लुईस मरांडी के झामुमो पार्टी में चले जाने से भाजपा के सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भी झामुमो में योगदान दे दिया है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि मसलिया प्रखंड है जो 21 पंचायत का प्रखंड है, इस 21 पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता काम करते थे आज संपूर्ण रूप से क्षेत्र खाली हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन इन लोगों ने, हम सभी लोगों ने थाम लिया है। लगभग 200 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई। मैं और सभी दोनों विधायक, दोनों प्रत्याशी, जामा के प्रत्याशी डॉक्टर और दुमका के प्रत्याशी श्री बसंत सोरेन जी, सभी को माला पटा के स्वागत किए और झारखंड परिवार में हम तमाम लोग कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। इस बार काफी उत्साहपूर्ण माहौल है और भावनात्मक माहौल भी है, दोनों है, और सारे कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और काफी जोश में। रणनीति हर चुनाव की अलग होती है, हम लोग नए रणनीति के साथ इस चुनाव में हैं और रणनीति बहुत जल्दी दिखने को मिलेगी।